हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आज है मूवी मैराथन का डे 4 और आज के दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि इस मूवी का नाम है एक थी डायन और ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं इमरान हाशमी, उमा कुरैशी, कोंकणा सेन और कल्कि कोचलिन, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 विच लुक्स डीसेंट, लेकिन वोट्स भी मात्र 3,300 ही पड़े थे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक थी डायन मूवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम इमरान हाशमी को देखते हैं, जिनका मूवी में नाम बोबो है और वो एक बहुत ही जाने माने मैजिशियन थे। बोबो की गर्लफ्रेंड का नाम तमारा था, जिसका किरदार उमा कुरैशी ने प्ले किया है, और ये दोनों मिलकर एक बच्चे को अडॉप्ट करने का प्लान बना रहे थे जिसका नाम जुबीन था। तो बोबो के एक मैजिक परफॉर्मेंस के दौरान वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे उसकी असिस्टेंट थोड़ी जल जाती है। इस वक्त हमें पता चलता है कि बोबो ने इस महीने में ये तीसरी बार गलती करी थी और वो एक बच्ची के विजन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी, जिसका नाम मिशा था, लेकिन मिशा तभी मर गई थी जब उसकी उम्र महज 6 साल थी। नेक्स्ट कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि तमारा वॉज प्लानिंग टू मैरी बोबो ताकि वो जुबीन को लीगली अडॉप्ट कर सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बोबो कहीं और ही डिस्ट्रैक्टेड रहता था। बोबो अक्सर अपने पुराने खाली अपार्टमेंट की तरफ खींचा चला जाता था और इस रात भी बोबो के साथ ऐसा ही कुछ होता है। उसे इस अपार्टमेंट में एक ट्रेजर चेस्ट मिलती है, जिसको खोलते ही उसे अपनी बहन मिशा की लाश दिखती है और एक छिपकली उसकी तरफ जंप करती है। बोबो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर तमारा वहाँ आ जाती है। तमारा बोबो के साथ उस ट्रेजर चेस्ट को अगेन खोलती है, लेकिन इस बार वहाँ बस एक डॉल थी। बोबो उस डॉल को अपने साथ घर ले आता है। घर पे बोबो तमारा को बताता है कि उसकी बहन मिशा की तब मौत हुई थी जब वो महज 6 साल की थी और बोबो उस वक्त 11 साल का था। मिशा की मौत शायद एक्सीडेंट में हुई थी और बोबो को खुद मिशा की मौत को लेकर कुछ याद नहीं था। तमारा बोबो को वो पुराना फ्लैट बेचने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन बोबो इस बात पर ध्यान नहीं देता है। तो नेक्स्ट सीन में हम बोबो को डॉक्टर पाटिल से मिलते देखते हैं, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, और बोबो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर उनसे मदद मांगता है। डॉक्टर पाटिल बोबो को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग को बचपन के समय ले जाते हैं, जब वो 11 साल का था और उसकी बहन मिशा 6 साल की थी। फ्लैशबैक में हम छोटे बोबो को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा था, और इस किताब का नाम था काल, डायन और शैतान। किताब में लिखा था कि शैतान का नंबर है 666 और छोटा बोबो अपनी बहन मिशा के साथ अपने पुराने फ्लैट के खराब लिफ्ट में जाकर नंबर 666 को दबाता है, जिससे लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से कई फ्लोर्स नीचे जाकर जहन्नुम में पहुंच जाती है। छोटा बोबो बताता है कि हर बिल्डिंग का एक अपना नर्क होता है, जहां बिल्डिंग के बुरे लोग कैद होते हैं। फिर अचानक इन दोनों को एक विच दिखती है, लेकिन इससे पहले वो इन पे अटैक करती, सीन चेंज होती है जहां लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और बोबो के पिता वॉचमैन के साथ मिलकर इन्हें लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। ठीक उसी रात बोबो की नींद 3:25 पे खुलती है और उसे ये खराब लिफ्ट वापस चलती हुई दिखती है। बोबो को इस लिफ्ट से कुछ आवाज़ें भी आती है और उसे वहाँ एक साया भी दिखता है, जिसे देखकर बोबो इतना डरता है कि वो भागकर अपने बिस्तर पे सो जाता है। ठीक अगले दिन इस बिल्डिंग में एक नई औरत रहने आती है, जिसका नाम डायना था, और बोबो 100% श्योर था कि डायना एक डायन है जो कि जहन्नुम से हमारी दुनिया में आई है। डायना का नाम भी थोड़ा डायन जैसा ही है, मतलब बॉलीवुड इज सो प्रेडिक्टेबल। एनीवेज, मिशा डायना से पूछती है कि आप कहाँ से आई हैं, तो डायना एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है कि वो नीचे से आई है, बहुत नीचे से, वो भी लिफ्ट में। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स एकदम श्योर हो जाते हैं कि डायना ही सच में डायन है। अब बोबो की माँ कुछ सालों पहले ही गुजर चुकी थी, तो बोबो के डैडी सिंगल थे, तो उन्हें डायना पसंद आने लगी थी और बहुत ही जल्द डायना इनके घर में भी अपनी जगह बनाने लग गई थी। अब ऑब्वियसली बोबो को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन डायना तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी राजी हो गई थी। तो नेक्स्ट सीन में हम बोबो को मिशा के साथ वही किताब पढ़ते देखते हैं, जिसमें लिखा था कि डायन अपनी शैतानी शक्ति को जिंदा रखने के लिए एक बच्चे की कुर्बानी देती है, वो भी किसी लीप ईयर में, और ये साल एक लीप ईयर ही था।
तो धीरे धीरे डायना इस घर में पूरी तरह से अपनी जगह बना ली थी और वो हमेशा सबका दिल जीतने की कोशिश में रहती थी। किताब में लिखा था कि शैतान दिन का राजा होता है और डायन रात की रानी। डायन के असली रूप में उसके चेहरे पे बाल होते हैं, उसके पांव उल्टे होते हैं और उसका हाथ शरीर से भी लंबा होता है। डायन की सारी शक्ति उसके चोटी में बंद होती है और पिशाच की सारी शक्ति उसके गर्दन में बंद होती है। डायन अपने शैतानी काम को सिर्फ रात के 12 से 4 बजे के बीच ही कर सकती है। बोबो अक्सर डायना पे नज़र रखता था और डायना भी इस बात को समझ गई थी, क्योंकि इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। एक दिन बिल्डिंग के गार्डन में एक बहुत ही बूढ़ा इंसान डायना को देखकर बोलता है कि वो लीजा दत्त है, जिसे आर्थर रोड जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। सभी सोचते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति ऊल जलूल बातें कर रहा है और कोई उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है, एक्सेप्ट बोबो। इस घटना के ठीक अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और वहाँ एक छिपकली भी थी। ये छिपकली बोबो के सर पे गिरती है, जिससे बोबो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोबो का मानना था कि डायना ही छिपकली का रूप लेती है। इस बात को सुनकर बोबो के पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो बोबो को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर पाटिल ही थे। डॉक्टर पाटिल बोलते हैं कि बोबो के दिमाग में उस किताब ने जहर भर दिया है और वो उस किताब को अपने पास ही रख लेते हैं। इसके बाद स्कूल के काउंसलर से लेकर डॉक्टर पाटिल सभी लोग बोबो को यही समझाते थे कि ये सब उसके मन का वहम है, और धीरे धीरे बोबो भी खुद की इमेजिनेशन पे ही शक करने लगता है। मीनवाइल बोबो के पिता डायना से शादी भी कर लेते हैं और ऐसा लग रहा था कि ये परिवार अब बिल्कुल सेटल हो चुकी है। बोबो भी डायना को पसंद करने की एक्टिंग करने लगा था। तो फिर आता है डायना का बर्थडे, विच वॉज ऑन 29th February, जो कि 4 साल में एक बार आता है। बोबो के पिता एक मीटिंग के लिए निकलते हैं और वो डायना को बच्चों के साथ सीधे 9 बजे डायरेक्टली रेस्टोरेंट पहुंचने बोलते हैं। डायना बच्चों से लुका छिपी खेलने को इंसिस्ट करती है, जिसके लिए बच्चे मान जाते हैं। इसके बाद बोबो नीचे छुप जाता है और डायना मिसा को खोजती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। मीनवाइल बोबो के पिता भी वहां आते हैं और वो बोबो के साथ अपार्टमेंट में लुका छिपी खेलने वाले मोड में चुपचाप जाते हैं। अपार्टमेंट का एक कमरा अंदर से बंद था और बोबो के लाख दरवाजा पीटने के बाद भी कोई उस कमरे को खोल नहीं रहा था। बहरहाल बोबो के पिता उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर हम देखते हैं डायना का असली रूप, जो कि सच में एक डायन थी। डायना मिशा की बलि चढ़ा चुकी थी और उसके बॉडी को एक ट्रेजर चेस्ट के अंदर रख दी थी। गुस्से में बोबो के पिता डायना पे हमला करते हैं, लेकिन वो अपने चीखने की शक्तियों से बोबो के पिता को भी मार देती है। फिर वो मुड़ती है बोबो की तरफ और वो बोलती है कि बोबो उसकी दुनिया से है। एंड एट दैट पॉइंट हम इस डायन का पैर देखते हैं, जो कि उल्टा था। फिर ये डायन को चैंटिंग करने लगती है और तभी बोबो एक चाकू से इस डायन की चोटी काट देता है। अब चूंकि हरेक डायन की ताकत उसकी चोटी में होती है, इस डायन का शरीर धूल में मिलने लगता है और वो मरने लगती है। मरने से पहले वो बोलती है कि वो ये सब बोबो के लिए कर रही थी और वो बोबो के लिए लौटकर वापस ज़रूर आएगी। तो इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है, जहां डॉक्टर पाटिल और बोबो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और डॉक्टर पाटिल बोबो के इस बचपन की कहानी का मजाक उड़ाते हैं। वो इन बातों को नहीं मान रहे थे और उनका कहना था कि ये सब सिर्फ एक कहानी है। मीनवाइल हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत की चोटी बहुत बड़ी थी और बोबो एकदम अचानक से उस औरत पे अटैक करके उसकी चोटी काटने दौड़ता है। सभी लोग उसे रोकते हैं और इस घटना से साफ पता चल रहा था कि बोबो वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड और उसके बचपन की घटना उसके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर कर रही है। बोबो को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और तमारा बोबो से मिलने हॉस्पिटल में आती है। वहाँ डॉक्टर पाटिल तमारा को सब कुछ बताते हैं और तमारा बोबो पे बहुत गुस्सा करती है कि बोबो ने उसे ये सब कुछ नहीं बताया। तमारा को मनाने के लिए बोबो डिसाइड करता है कि वो अब उससे शादी कर लेगा और जुबीन को अडॉप्ट कर लेगा। बस फिर क्या था, दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर जुबीन को अडॉप्ट कर लेते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, इनफैक्ट बोबो के शोज भी अच्छे चल रहे थे। लेकिन अचानक एक शो के दौरान बोबो टकराता है लीजा दत्त नाम की एक लड़की से, जो कि कैनेडा से थी। इस लड़की का रोल प्ले किया है कल्कि कोचलिन ने। अब अगर आपको याद हो तो बोबो को बचपन में एक बूढ़ा इंसान गार्डन में मिला था, जिसने डायना को लीजा दत्त नाम से ही बुलाया था। एनीवेज, लीजा बोबो की बहुत बड़ी फैन थी और ऑडियंस बोबो की लीजा के साथ वाले एक्ट को बहुत पसंद करती है। उस रात बोबो लैपटॉप पे लीजा दत्त के मर्डर केस पे कुछ रिसर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि सन 1960 में लीजा दत्त को मुंबई में फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने एक बच्चे का कत्ल किया था। तभी हम बोबो के लैपटॉप पे एक काला साया एकदम से उसकी ओर आते देखते हैं। बोबो को अब ऐसा लगने लगा था कि लीजा एक डायन है और वो वापस उसकी जिंदगी में आ चुकी है। नेक्स्ट डे एक
बायर बोबो की पुरानी फ्लैट खरीदना चाह रही थी एंड दिस बायर वॉज नन अदर दैन लीजा दत्त। लीजा और तमारा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपये फिक्स हो चुकी थी, लेकिन अचानक बोबो लीजा से इस फ्लैट के 3 करोड़ मांगता है जो कि मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी और गुस्से में लीजा वहाँ से चली जाती है। बोबो तमारा को बताता है कि इट कैनॉट बी ए कोइंसिडेंस कि लीजा दत्त नाम की ही लड़की उसके ज़िंदगी में आती है, उसके बेटे जुबीन को स्कूल में पढ़ाएगी और वो उसी का पुराना फ्लैट भी खरीदना चाहती है। इस बात पे तमारा और बोबो के बीच बहुत झगड़ा होता है एंड फाइनली बोबो लीजा को वो फ्लैट बेचने के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट डे बोबो लीजा से मिलता है जहां लीजा बताती है कि उसने बोबो को पहली बार अपने सपने में देखा था एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी गूगल्ड बोबो सच में एक जीता जागता इंसान था। शी गॉट सो ऑब्सेस्ड विद बोबो कि उसकी 4 साल की रिलेशनशिप टूट गई और वो बोबो को खोजते खोजते इंडिया आ गई। लीजा के रिंग ईयर रिंग सब वैसी ही थी जैसे कि डायना की थी और बोबो वॉज गेटिंग रियली डिस्टर्ब्ड विथ इट। लेकिन फाइनली बोबो अपने अपार्टमेंट को 2 करोड़ में लीजा को बेच देता है और लीजा हाउस वार्मिंग पे बोबो और उसकी फैमिली को इनवाइट करती है। हाउस वार्मिंग पार्टी के दौरान तमारा अपार्टमेंट के बालकनी से गिर जाती है जिससे उसे बहुत चोट आती है। तमारा को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हम देख पाते हैं कि उसे काफ़ी चोट भी आई थी। जब तमारा को होश आता है तो वो बताती है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे धक्का दिया था और उसे ऐसा भी लगा कि उसके पीछे लीजा खड़ी थी। बोबो इस बात से डिस्टर्ब होकर वॉशरूम में जाता है जब लीजा वहां आके तमारा पे चढ़ रही आईवी बैग निकालने लगती है। एन वक्त पे बोबो आता है और वो लीजा को खींच कर वहां से बाहर निकालने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लीजा तमारा को मारने की कोशिश कर रही थी, जबकि लीजा बोलती है कि वो आईवी बैग इसलिए निकाल रही थी क्योंकि वो बैग ऑलरेडी खाली हो चुकी थी। वहां बहुत सीन क्रिएट होता है और लीजा गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद बोबो को डॉक्टर पाटिल का कॉल आता है और वो उसे बोलते हैं कि बोबो वॉज राइट, डायन सच में है और फिलहाल बोबो की जिंदगी भी बहुत ही खतरे में है क्योंकि डॉक्टर पाटिल ने फाइनली उस पुराने किताब को पढ़ा और उन्हें वहां कुछ सबूत भी मिले। अब इससे पहले बोबो उनके घर पहुंच पाता हम व्यूअर्स देखते हैं कि डायना वापस आ चुकी थी और वो डॉक्टर पाटिल का कत्ल कर देती है। जब बोबो डॉक्टर पाटिल के घर पहुंचता है तो उसे वहां डॉक्टर पाटिल की डेड बॉडी और एक छिपकली दिखती है। डॉक्टर पाटिल के हाथ में एक कागज थी जिसपे जुबीन का नाम लिखा था, मतलब ये डायन शायद जुबीन की बलि देने वाली थी। बोबो को तुरंत रियलाइज होता है कि आज 29 फरवरी है और शायद आज ही ये डायन उसके बेटे की जान ले। वो फौरन अपने बेटे के स्कूल में जाता है जहां से उसका बेटा गायब था। बोबो भागकर अपने पुराने फ्लैट पे भी जाता है लेकिन जुबीन वहां भी नहीं था। फिर बोबो इस बिल्डिंग के एलिवेटर में जाता है और वो दबाता है सैटैनिक नंबर 666। नंबर दबाते ही ये लिफ्ट वापस जहन्नुम में पहुंच जाती है और वहां बोबो को अपना बेटा एक सैये पे लेटा हुआ दिखता है जहां उसकी बलि दी जाने वाली थी। जहन्नुम में कई और बूढ़े लोग भी थे और अचानक से हम देखते हैं वहां तमारा को। जी हां दोस्तों, डायन लीजा नहीं बल्कि तमारा थी जिसने बोबो से शादी तक कर ली थी। वो बताती है कि बोबो एक आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक पिशाच है और इंसानों के साथ रहकर वो इस बात को भूल गया है। कोई भी आम इंसान लिफ्ट में 666 दबाकर जहन्नुम नहीं पहुंच सकता बल्कि एक पिशाच या डायन ही ऐसा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी डायन ने लीजा दत्त को बोबो का सपना दिखाया था ताकि वो उसके पीछे यहां तक आ जाए और आज से दुनिया लीजा को जुबीन का कातिल मानेगी। तमारा बोबो को जुबीन की बलि देने के लिए बोलती है लेकिन बोबो ऐसा करने से मना करता है और वो अपने बेटे के लिए तमारा से लड़ने लगता है। तमारा अपनी चोटी और चिल्लाने की शक्ति का इस्तेमाल करके बोबो को बेहोश कर देती है और फिर वो कुछ इंचांटमेंट्स करने लगती है जिसके बाद वो जुबीन की बलि देती। तभी हम बोबो के छोटी बहन को उसके सपने में आते देखते हैं जो कि उसे मोटिवेट करती है और चूंकि अपना हीरो भी पिशाच था वो अपनी शक्तियों को लाल चांद और ग्रहण के वक्त याद करता है और उन शक्तियों को पा भी लेता है। इससे पहले कि तमारा जुबीन को मार पाती बोबो अपने पिशाच वाले रूप में आकर उस पर हमला कर देता है एंड बोबो वॉज वेरी पावरफुल। बोबो वहां से सभी पापियों को मारता है क्योंकि वो एक अच्छा पिशाच था और वो जुबीन को लेकर वहां से भागता है। फिर फाइनल लड़ाई होती है डायन और पिशाच के बीच जिसमें बोबो डायन की चोटी फिर से काट देता है जिससे डायन की वापस से मौत हो जाती है। अब हम व्यूअर्स को लगता है कि बोबो जीत गया लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट थी। हम इस डायन को वापस जिंदा देखते हैं और वो बोबो पे हमला कर देती है। डायन बोलती है कि उसकी चुटिया वही काट सकता है जो मासूम बेगुनाह और नेक दिल इंसान हो। अब चूंकि बोबो ने एक बार पहले ही इस डायन को मारा था वो एक गुनहगार था और इसीलिए इस बार उसके चोटी काटने से ये डायन नहीं मरी। फिर ये डायन अपनी चोटी से बोबो का गर्दन दबोच लेती है क्योंकि पिशाच की ताकत उसके गर्दन में ही होती है। लेकिन तभी जुबीन को होश आता है और वो चाकू लेकर डायन की चोटी काटने दौड़ता है। ये डायन अपनी चीखने की शक्ति से जुबीन को रोकती है लेकिन
बोबो उसकी ही चोटी से उसका मुंह बंद कर देता है। फिर बोबो चिल्लाता है, जुबिन काट दे इसकी चोटी। जुबिन फौरन ही डायन की चोटी काट देता है और ये डायन एक बार फिर से मर जाती है। मरने से पहले सेम डायलॉग, मैं वापस ज़रूर आऊँगी तुम्हारे लिए। फिर बोबो लीज़ा से माफ़ी मांगता है और लीज़ा उससे पूछती है कि वो शुरुआत में उसके प्रति इतना अग्रेसिव क्यों था। तो बोबो बोलता है कि उसे लगा कि लीज़ा एक चुड़ैल थी। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म एक थी डायन की फुल स्टोरी। मुझे पर्सनली ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई। सबसे पहले इस फिल्म की बीच बीच में फिलर सॉन्ग्स हैं और हॉरर मूवीज़ में मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स कतई पसंद नहीं आते। जहाँ तक बात है मूवी के ट्विस्ट की, तो ट्रस्ट मी, मैंने मूवी के बीच में ही गेस कर लिया था कि तमारा ही वो डायन है। बिकॉज एकदम से लीज़ा नाम के लड़की का इसके लाइफ में आना, ओनली आफ्टर तमारा केम टू नो कि बोबो को अपनी बचपन की बातें याद आ गई है, गेव अवे द प्लॉट फॉर मी। हालांकि एक्टर्स ने एक्टिंग ठीक करी है, स्पेशली इमरान हाशमी, वो हमेशा अच्छा करता है, लेकिन फिल्म की स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े वीक हैं। फिल्म की कॉन्सेप्ट्स अच्छी थी, लेकिन इसके कहानी को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ये फिल्म किसी चैनल पे आती दिखे तो आप देख सकते हैं, लेकिन खास तौर पे इसे डाउनलोड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।